चलिए गाइज, हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि 2 से 2.5 नंबर में एग्जाम में आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। ये आपके वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया है। इससे पहले हमने वोल्टेज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया पढ़ी थी। वोल्टेज अलग और फिटिंग अलग, अब दोनों को मिला रहे हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए इसमें होता क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु हेलोएरिन तथा एक अणु हेलोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जब हम वोल्टेज अभिक्रिया की बात कर रहे थे तो वोल्टेज अभिक्रिया हेलोएल्केन देते हैं और हेलोएल्केन के हमने वहां पर 2 अणु इस्तेमाल किए थे, और फिटिंग अभिक्रिया जब बात करी थी तो फिटिंग अभिक्रिया हेलोएरिन देते हैं और जहां पर हेलोएरिन के 2 अणु की हमने बात करी थी। बट अब इस रिएक्शन में क्या है, दोनों के नाम है यहां पर वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, हम याद रखने के लिए ऐसा याद करेंगे कि देखो वोल्टेज है वो हेलो एल्केन देते हैं, तो वोल्टेज में हेलो एल्केन के 2 अणु लेते हैं हम लोग, बट यहां पे हम कितना लेंगे, एक एक अणु आएगा इसके हिसाब से और एक अणु आएगा इसके हिसाब से। तो वोल्टेज कौन देते हैं, हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का 1 अणु लेना है। फिटिंग कौन देते हैं, हेलो एरिन, तो हमें हेलो एरिन का 1 अणु लेना है, तो हेलो एल्केन का 1 अणु और हेलो एरिन का 1 अणु सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। वोल्टेज में भी अभिक्रिया सोडियम से हुई थी, फिटिंग में भी सोडियम से हुई थी, और वोल्टेज फिटिंग में भी सोडियम से ही करा रहे हैं। ठीक है, और वोल्टेज फिटिंग या फिर वोल्टेज फिटिंग, तीनों रिएक्शनें शुष्क ईथर में ही संपन्न होती हैं। ठीक है, तो आप तीनों को या जब भी याद करेंगे तीनों को एक साथ याद करेंगे, एक साथ रिवाइज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आराम से रेडी हो जाएंगे तीनों रिएक्शन हमारी है। ओके, चलिए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हेलो एल्केन का 1 अणु लेना है और एक हेलो एरिन का लेना है। तो मैं पहले यहाँ पे हेलो एरिन का ले रहा हूँ। ठीक, तो इसको इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, C6H5Cl। आप क्लोरो बेंजीन ले सकते हैं या फिर ब्रोमो बेंजीन ले सकते हैं। कि अभिक्रिया किससे कराएंगे हम लोग, सोडियम धातु से, इसके 2 अणु रहेंगे जो सभी में रहते हैं। ठीक है, और दूसरा लेंगे हम लोग हेलो एल्केन का। आप चाहें तो 1 कार्बन वाला ले सकते हैं, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, जो इच्छा करें। हम फिलहाल 1 कार्बन वाला ले रहे हैं। और ये अभिक्रिया शुष्क ईथर में संपन्न होगी। ठीक, अब वैसी काम है जो हम वोल्टेज में किया था, फिटिंग में भी किया था, और इसमें भी यही काम कर रहे हैं हम लोग। NaCl यानी कि Na और Cl को निकाल दीजिए और जो बचा उसे आपस में जोड़ दीजिए, बस इतना काम करना होता है, एकदम इजी है। ओके, तो C6H5 और CH3 आपस में जुड़ेगा, तो C6H5 CH3 बचेगा। ये क्या है, बेंजीन, और बेंजीन पे लगा है CH3, तो इसे हम बोलते हैं टोलुइन, टोलुइन। ठीक है, और ये कन्वर्जन में भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, क्लोरो बेंजीन से टोलुइन कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरो बेंजीन से टोलुइन कैसे प्राप्त करोगे, तो आपको वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया का वहां पे इस्तेमाल करना है। ओके गाइस, चलिए तो एक एग्जाम्पल तो हमने इसका ये देखा, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम लोग। मैं इसको इस बार ब्रोमो बेंजीन ले रहा हूँ, C6H5Br, जो कि ब्रोमो बेंजीन है।
ओके। और यहां पे इस बार मैं दो कार्बन का बंधन ले रहा हूं, सॉरी यहां पे हमने Br लिया है तो यहां भी हम Br ही लेंगे। हैलोजन दोनों के सेम होने चाहिए, ठीक है। ये ठीक है। और यहां पे हमने क्या लिया था, ये क्लोरो मैथेन, ये इसका यूपीएससी नाम है। अगर आप कॉमन नाम लिखोगे तो मैथिल क्लोराइड, इसका नाम है ब्रोमो एथेन, ये इसका यूपीएससी नाम है। कॉमन नाम लिखोगे तो एथिल ब्रोमाइड, इस तरह से। बस ये अभिक्रिया हमारी शुष्क एथर की उपस्थिति में होनी है, शुष्क एथर। तो यहां पे क्या होगा, वही काम फिर से, दो एन ए और दो वी आर, तो क्या बनेगा, टू एन ए बी आर, और जो समूह बचे उन्हें आपस में जोड़ दीजिए। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे बना रहा हूं, थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। ये सी सिक्स एच फाइव हमारा ये हो गया, इसमें से एक एच कम कर दिया हमने, तो ये सी सिक्स एच फाइव बचा, और वहां पे क्या लगा देना हमें, सी एच टू सी एच थ्री, सी एच टू सी एच थ्री, ओके। और इस वाले को हम कैसे दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से, एक एच कम करके सी एच थ्री लगा दीजिए। तो इसका नाम क्या होगा भाई, एथिल बेंजीन। और इस हिसाब से अगर हम इसका नाम देते तो मैथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, और ये मैथिल बेंजीन। बट इसका जो पॉपुलर नेम है वो टोलोइन है, बहुत ज्यादा फेमस नाम है, सीधे इस नाम से एग्जाम में रिएक्शंस आती हैं। तो ये हमने देखा बोर्डर फिटिंग अभिक्रिया, एक बार रिकॉल करा देते हैं। वोल्टेज हेलो एल्केन देते हैं तो एक अणु हेलो एल्केन का लेना है। फिटिंग अभिक्रिया हेलो एरिन देते हैं तो हेलो एरिन का एक अणु लेना है, ठीक है। सोडियम धातु से अभिक्रिया करानी है दोनों की हमें, और शुष्क ईथर में करवानी है, ठीक है। और इस तरह से हमें रिएक्शन हो जाएगी। तो आई होप आपको हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, ठीक है। इंजॉय करें और तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक्स।